हेलो, मैं डॉक्टर प्रणव माथुर, डॉक्टर माथुर्स डेंटल इनोवेशन कानपुर से। और आज हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसको कि ओरल कैंसर बोलते हैं। ओरल कैंसर या माउथ कैंसर मुंह का कैंसर है, और ये एक कैंसर का टाइप है जो आजकल बहुत देखा जा रहा है। हम लोगों की ईटिंग हैबिट्स, लाइफस्टाइल समय के साथ चेंज होती जा रही हैं। हम लोग बाहर का खाना खा रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, मसाला खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तो इन सब चीज़ों की वजह से ओरल कैंसर का प्रिवेलेंस इंडिया में काफ़ी बढ़ गया है। ओरल कैंसर को लेकर के लोगों के मन में काफ़ी भ्रांतियाँ रहती हैं, काफ़ी डर रहते हैं कि ये क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, कि हमको ओरल कैंसर तो नहीं हो रहा है, मुंह का कैंसर तो नहीं है। और उस डर की वजह से पेशेंट खुद अपना ही कुछ ना कुछ इलाज करते रहते हैं, मेडिकल स्टोर से दवा लेते रहते हैं या इंटरनेट से देख करके दवा लेते रहते हैं, और डेंटिस्ट या डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए। आपको मुंह में कुछ भी दिक्कत लगे, चाहे मुंह में कहीं बार बार घाव हो रहा है, कुछ कट रहा है, या बार बार छाले हो रहे हैं, तो आपको जितनी जल्दी हो सके डेंटिस्ट या डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसका तुरंत निदान हो सके। किसी भी बीमारी से डरने से कोई फायदा नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उससे संबंधित डॉक्टर को दिखाएं, ताकि उसका जो भी ट्रीटमेंट हो वो एज सून एज पॉसिबल हो सके। अगर शुरुआती दौर में ही डिजीज़ का ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है तो उसका स्प्रेड कम रहता है और ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो ओरल कैंसर के बारे में सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इसके क्या प्रमुख कारण हैं जिसकी वजह से ओरल कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो जैसा कि ज़्यादातर लोग जानते हैं कि सबसे कॉमन कारण जो है वो है टोबैको, किसी भी तरह का तंबाकू का सेवन। तंबाकू हो, खैनी हो, गुटखा हो, पान मसाला, सिगरेट, बीड़ी, किसी भी तरह से अगर तंबाकू आपके मुंह के अंदर जा रही है तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दुष्प्रभाव दे रही है। तंबाकू में जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं उसकी वजह से हमारे मुंह के अंदर की जो चमड़ी है, जो स्किन है, ओरल म्यूकोसा जिसको बोलते हैं, वो डैमेज हो जाती है। जिस जगह पे हम लोग तंबाकू रखते हैं या चबाते हैं, वहाँ की जो ब्लड सप्लाई है, मतलब जो खून वहाँ पे चलता है मसूड़े में, वो सूखने लगता है केमिकल्स की वजह से, और वहाँ की चमड़ी का कलर चेंज हो जाता है। तो हम लोग जब कोई पेशेंट आता है तो यही देखते हैं सबसे पहले क्लिनिकली कि उसके मुंह में अंदर जो लालिमा है वो कितनी है। नॉर्मली हमारे मुंह के अंदर का जो मसूड़ा है, जो चमड़ी है, वो हल्के गुलाबी रंग की होती है, लेकिन अगर वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो उसका गुलाबी कलर ख़त्म हो जाता है और वो वाइट या येलो या ब्लैक, जिस भी स्टेज पे होती है उसका कलर चेंज हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा प्रिवलेंस तो उन्हीं लोगों में है ओरल कैंसर का जो तंबाकू खाते हैं। ऐसा हम लोगों ने सुना भी है कि हमारे पड़ोस में रहने वाले को कैंसर हो गया मुंह का, वो तो बहुत मसाला खाते थे। तो ये एक बहुत कॉमन बात है जो सब लोग सुनते हैं। सेकेंड सबसे कॉमन फैक्टर जो है वो है एल्कोहल। जो लोग नियमित रूप से शराब का सेवन करते हैं, काफ़ी मात्रा में शराब पीते हैं या लेते हैं, तो उन लोगों के भी मुंह का जो म्यूकोसा है वो उस अल्कोहल की वजह से उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाते हैं, और उनके केस में ओरल कैंसर की प्रेवलेंस बढ़ जाती है। बाकी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी जो अल्कोहल लेता है उसके ओरल कैंसर हो जाए या किसी तरह का कैंसर हो। ये तो आपके अपने शरीर की बनावट है, हर आदमी का शरीर अलग है, वो कितना लोड ले सकता है वो सब पे अलग अलग डिपेंड करता है। कोई पेशेंट ऐसा आता है जिसको सिर्फ 1 साल हुआ है मसाला खाते हुए और उसके ओरल कैंसर हो गया है, और कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपने भी देखे होंगे, कि 25-25 साल से मसाला खा रहे हैं लेकिन उन्हें कुछ नहीं हो रहा है। तो वो उनकी शरीर की बनावट है कि वो क्या झेल पा रहे हैं। थर्ड मोस्ट कॉमन जो रीज़न है ओरल कैंसर का है वो स्पाइसेस है, यानी कि मसाले। हम जो रूटीन में खाना खाते हैं उसमें मसाले कितने हैं, मतलब हरी मिर्च, लाल मिर्च। जो लोग बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं, बाहर का बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, घर का सादा भोजन उन्हें अच्छा ही नहीं लगता है, तो उन मसालों की वजह से भी जो है आपके मुंह के अंदर की जो चमड़ी है उसका चेंज होने लगता है, उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस होने लगते हैं, जिसकी वजह से उसमें ओरल कैंसर होने की प्रिवेलेंस बढ़ जाती है। इन बातों का ये मतलब नहीं है कि आपको बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा कि जो डराने वाली हो, कि नहीं बाहर का खाना ना खाएं, घर का ही खाना खाएं, सादा खाना खाएं, लेकिन किसी भी चीज़ की अति जो है वो बुरी है। अगर हर चीज़ आप लिमिटेड करेंगे तो वो अच्छा रहेगा। आप बाहर का बिल्कुल खाना खाएं, बट बहुत स्पाइसी मत खाएं। अगर खाने का बहुत मन भी है तो कभी हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार खा लिया, ये नहीं कि एवरी सेकेंड डे हम बाहर खाना खाने जा रहे हैं और स्पाइसी फूड खा रहे हैं।
कुछ लोगों में ये भी देखा गया है कि उनके दांत समय के साथ जैसे घिस जाते हैं तो दांत शार्प हो जाते हैं। पेशेंट आके बताते हैं कि मेरे दांत नुकीले हो गए हैं, मैं जब खाना खाता हूँ या चबाता हूँ तो मेरा गाल कट जाता है बार बार, या मेरी जीभ कट जाती है। तो अगर एक ही जगह पे बार 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 कुछ कट रहा है तो उस जगह पे भी जो है चेंजेस आ जाते हैं मसूड़े में और टिश्यू में, उससे भी ओरल कैंसर की प्रेवलेंस बढ़ जाती है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके दांत नुकीले हो रहे हैं या गाल काट रहे हैं, मसूड़ा काट रहे हैं, तो आपको अपने डेंटिस्ट को दिखा के उसको ठीक करवाना चाहिए। नेक्स्ट कॉमन रीज़न ओरल कैंसर का उन लोगों में पाया जाता है जो किसी तरह की बत्तीसी पहनते हैं, चाहे वो पार्शल डेंचर हो या कंप्लीट डेंचर हो। तो जैसे हम लोग बत्तीसी पहनते हैं, मरीज बत्तीसी पहनते हैं, तो समय के साथ साथ वो बत्तीसी ढीली होती है, क्योंकि एज के साथ साथ आपकी हड्डी और मसूड़े का नाप चेंज होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है आपकी हड्डी कम होती जाती है, सिकुड़ती जाती है, और मसूड़ा भी सिकुड़ता जाता है। तो जो डेंचर आज से 5 साल पहले बना है वो उस दिन के नाप के हिसाब से बना था, 5 साल में आपका हड्डी और मसूड़ा चेंज हो गया तो अब वो डेंचर लूज हो गया है। तो आप जब भी भोजन करते हैं या चबाते हैं तो वो डेंचर जो है आपके मसूड़े पे बार बार हिट करता है, क्योंकि वो लूज है। अगर टाइट डेंचर रहेगा तो वो हिट नहीं करेगा, वो फिक्स रहेगा एक जगह पे। तो लूज डेंचर जो है वो बार 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 एक ही जगह पे हिट कर रहा है, दिन में 50 बार 100 बार, तो उस जगह की भी जो है ब्लड सप्लाई और टिश्यू में चेंज आ जाता है। तो जहाँ भी जो है टिश्यू में चेंज आ रहा है मुंह के अंदर, जो कि कंटिन्यूअस है और काफ़ी लंबे समय तक है, वहाँ पे ओरल कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। ये सब हमने जिन कारणों को डिस्कस किया कि जिनकी वजह से अभी मुंह का कैंसर या ओरल कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है, तो अगर हम थोड़ा सतर्क रहें, अपने खान पान का ध्यान रखें, अपने मुंह के अंदर होने वाले किसी भी चेंज को ध्यान से देखें और तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर को दिखाएं, तो जल्दी ऐसी दिक्कत किसी को नहीं आती है। जब लोग लापरवाही करते हैं या किसी प्रॉब्लम को देर तक टालते रहते हैं तब ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अब अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे ओरल कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट में मिल जाएगा।